बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो आज स्पेशल डे है मेरे लिए, तो आज मेरे मामू का निकाह है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको गांव में किस तरह कैसे लोग निकाह वगैरह करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज मैं और मेरा मामा, इसके अलावा मेरा भाई बहन जा रहा है जी। तो हम यहाँ से जाएँगे, हमारे गाँव से पहले हम नाना के गाँव जाएँगे, फिर नाना के घर से हम जाएंगे वैन वगैरह में बैठ के जाएंगे, यहाँ से खरमन जाएंगे जो कि तकरीबन दो से तीन घंटे का सफ़र है। तो वहाँ जाएंगे, खरमा यानी खपुलू की साइड पे है ये। तो ये आगे जो आता है ना, उससे करगिल लद्दाख आता है उससे आगे, तो हम उस तरफ जा रहे हैं। तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे जगह भी दिखाऊँगा, तो सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आपने जी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इस तरह की वीडियो देखने के लिए। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को इस्त्री करना है। तो मेरा जो कपड़ा है वो ये है, वाइट वाइट ड्रेस पहना है जी मैंने। तो यहाँ पर हम इस्त्री इस बिस्तर पर ही करते हैं। जो यहाँ पर मैंने इस्त्री लगा के रखा हुआ है, इसके अलावा जी और कपड़े हैं तो उनको भी करना है। तो सबसे पहले हमने इस्त्री करना है। इस्त्री भी गर्म हो चुका है मेरे ख्याल से, तो अभी तक अब गर्म हो चुका है यार। तो अब इस्त्री लगाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नाना के गाँव जाऊंगा यहाँ से पहले, फिर वहाँ से मैं कपड़ा वगैरह पहन के वहाँ से जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने अभी बाल भी काटने हैं। तो दोस्तों अभी मैं बाल काटूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों आपका भाई बिल्कुल रेडी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। मैंने कपड़ा वगैरह पहन लिया है और बाल को भी मैंने काट लिया है, अभी मैंने धोया था, तो अभी एक दफ़ा और कंघी करना है। तो बाकी बिल्कुल मैं सेट हो चुका हूँ। अभी मैं अपने नाना के घर में हूँ, तो इस कमरे को मैंने पहले भी दिखाया था। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे वैन में बैठ के, तो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, तो फिर अपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों अभी हम निकलने लगे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी वैन खड़ी है, और अभी यहाँ से जो है मेरा मामू निकल रहा है, और ये रोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं जी। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं जी अपने नाना के घर से। तो अभी मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। ओए 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 ओए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जी मेहंदियाबाद। तो यहाँ पे हम चीज़ लेने के लिए रुके थे। तो ये जो चौक आप देख रहे हैं जी, इससे आगे आप मंटोखा वाटरफॉल जा सकते हैं। तो मेहंदियाबाद में आते हैं जी मंटोखा वाटरफॉल। तो यहाँ एक बोर्ड भी है, उस पर लिखा भी हुआ है मंटोखा वाटरफॉल। तो यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर है।
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जी, तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम पहुंचे हैं जी खरमंग बागचा पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अभी मेरे मामू का जो है निकाह है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है इधर। तो इधर से ऊपर गांव है, ये एक बहुत छोटा सा गांव है खरमंग बागचा, तकरीबन 15-20 घराने हैं यहाँ पे, तक तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इतना छोटा गाँव है, यहाँ नीचे जो है वो दरिया सिंध है, और इधर से तकरीबन आगे जो है 5-6 किलोमीटर के फासले पर है खुमसरो आबशार है। तो दोस्तों अभी हम अपने होने वाले मामी के घर पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए चाय का इंतज़ाम किया है, तो अभी हम सब चाय पी रहे हैं। तो अभी तकरीबन अभी मैंने नमाज़ पढ़ लिया है दोपहर का, तो अभी 2 बजे तक मेरे मामू का जो निकाह है वो पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेसी की वजह से मैं इतना ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगा। तो जी आपने हमारे साथ रहना है, मेरा मकसद है कि मैं आपको गाँव वगैरह दिखाऊँ। तो अभी हम बॉर्डर के तकरीबन करीब है, हमारे गाँव से तकरीबन हम 2 घंटे के सफ़र के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी हम बस आगे खुमसरो आबशार उसको देखने जाएंगे। तो यहाँ पे खाना आ चुका है, तो अभी मैं चावल के साथ रोटी खा रहा हूँ। हमारे गाँव में इस तरीके से हम खाना खाते हैं जी, रोटी के साथ चावल खाते हैं। तो अभी सब खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी निकाह वगैरह हो चुका है मेरे मामू का, तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो आज मैं जो है आपको खुमसरो आबशार जो है वो नहीं दिखा सका, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अभी 1-2 घंटे के बाद अजान है, तो बहुत ज़्यादा टाइम आ चुका है। तो ये टोपी आप देख रहे हैं जी, ये हमारे बल्तिस्तान का टोपी है, और ये आप आज देख रहे हैं। तो अभी हम सब जाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मेरे मामू का निकाह हो चुका है, तो आप सबको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो, मैं अपने आप को मुबारक पेश करता, अपने मेरे मामू को भी मुबारक हो। तो अभी हम वहीं में बैठ के जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा। तो मैं एक चीज़ के लिए आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, कि वो ये है कि मैंने आपको खुमसरो जो आबशार था वो मैं आपको नहीं दिखा सका, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आ गया था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको खुमसरो जो आबशार है वो दिखा सकूँ, और मंठो का भी दिखाऊँगा। तो इससे पहले आपने जो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को वीडियो पर कमेंट भी करना है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मुज़म्मिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।